जी साहब ज्ञान भी जाने बाबा जी से एक चिड़ो आदमी आयो एक मसारी दुनिया में कहता हम ना कोई कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे नाल नहीं है बशीर बाबा जी को रोज भी थो बाबा जी की दुआ भी थी बाबा जी को थारो ख्याल भी थो बाबा जी ने के उतनो काटे तो तम जिड़ा इस लर्ष शरीफ के नाल मुंसलिक के तम मरीद है लखन की तादाद में तो अज तक अगर वास्ते भी तुम दुआ करे करो कि इस सिलसिला इस यार शरीफ के बिच हजरत जनाब बाबा जी साहब और राजीव बाबा साहब और बाबा जी और उन्होंने कई चीज गैर शरी नहीं करी और सर जो फख्र नाल बुलंद है उनकी ऐसी कई चीज नहीं हुई जिससे उनका मरीज जो है वे शर्मिंदा होता शरीयत की पाबंद करे हजरत जनाब बाबा जी साहब और एक बार कहीं शरीफ किया तो हजरात ने तो मैं खा पी देखे थो कि मैंने सुई का नका तो साल के आसमानों को सैर कराया गया तो मैं सोचा कि इसको मतलब जुड़ा है वो मैंने और इबादत करनी है और रियाजत करनी है तो वो चिल्ला में बैस गया फिर ना इसको मतलब यू नहीं इसको मतलब है कि तेरे शरीयत की पाबंदी करनी अपनी जगह हमेशा दुआ मंगया करो कि तम नबी तो खास तौर पर जो हमे तम हम जो साहबजादा हम जो शरीफ के ऊपर हम इस खानदान नाल ताल्लुक रखा जो ये मौलाना हजरात है ये सब जो है ये शरीयत की पाबंदी करे तो फजल तो करम उसी चीज ना होगा को तो दस मंदा कमों से हम उसे नाल बच सकें और किसी चीज का नहीं बच सकते गर्मी है हूँ थारो ज्यादा टाइम नहीं लेते मगर फिर भी आज का इस दिन का हवाला के ना हूँ इतनी गल कहूँ कि तमने मुझा नहीं अगर पड़ी भी है कि हजरत जनाब बाबा जी साहब और बड़ा गरीब घराना में पैदा हुआ था अच्छा चार साल का ही था उनका बालक की वफात हो गई थी उसको हम यहाँ मनाते हुए हमें 125 साल हो गए हैं और ये उर्स शरीफ हम जो हमारे पीर व मुर्शिद हैं मियाँ निज़ामुद्दीन कियानवी उनका मनाते हैं और इस उर्स शरीफ का हुक्म हमारे पीर व मुर्शिद ने मेरे परदादा साहब हजरत जनाब बाबा जी साहब को दिया था कि तुम हर साल 26 जेठ को मेरा उर्स किया करो तो अल्लाह ताला का फजल है कि उनके फरमाने के बाद हम यहाँ पे हमेशा इस उर्स शरीफ को करते रहे और यहाँ पर आने वाले लोगों की तादाद में हर साल इजाफा होता रहा और कमाल की बात यह है कि हमारे पीर व मुर्शिद का इंतकाल भी फिर 26 जेठ को ही हुआ तो ये सारा कुछ जो है हम यहाँ पे खत्मात भी पढ़ते हैं दुरूद भी कुरान शरीफ की तलावत होती है उलमा भी हिस्सा लेते हैं तो हम अल्लाह ताला से मांगते हैं कि इसका स्वाब हमारे पीर व मुर्शिद को मिले जिनके हुक्म से हमने ये उर्स शरीफ मेरे परदादा साहब ने मनाना शुरू किया था और तब से ये उर्स शरीफ हर साल मनाया जाता है जहाँ तक कि यहाँ दरबार शरीफ पे इंतजाम का ताल्लुक है तो हमारे पास ऐसा सिस्टम है ज़ियारत शरीफ पे मौजूद है कि हमें किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना सरकार से और ना किसी और से हमारा अपना एक मैनेजमेंट है हमारे पास अपना उर्स शरीफ में रहने वाले आने वाले लोग जो हैं इनके रहने का इनके खाने पीने का इनके बर्तन का इनकी चादर का इनकी प्याली का इनकी थाली का हर चीज़ जो है अल्लाह ताला का फजल है हजरत जनाब बाबा जी साहब के वसीले से हर चीज़ मौजूद है और हमारी ये कोशिश होती है कि लोगों को इस अरसे में जो ये दो दिन यहाँ पे रहते हैं किसी किस्म की तकलीफ़ इस हवाले से ना हो तो हम अल्लाह ताला से मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस ये उर्स शरीफ में
जो लोग आते हैं इनकी खिदमत करने का हमें बख्शे कि हम इनकी हम पे रहम करें, हम इनकी खिदमत कर सकें। और इस वक्त तक अल्लाह ताला का फजल है कि हर चीज़ जो है वो ठीक ठाक तरीके से चल रही है। तो कल इंशाल्लाह दुआ होगी, दुआ में भी सब लोग जो हैं शरीक होंगे, उसके बाद फिर जाएंगे। ये शुक्रिया।